हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। आज मैं मशीन में ड्राई क्लीनिंग करने वाला हूँ। तो मैं मशीन में ड्राई क्लीनिंग का सिर्फ मटेरियल बताने वाला हूँ कि मटेरियल में क्या यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सी साड़ियाँ हैं, तो चलो, ये डिटर्जेंट है, कोई भी डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। और मैं नॉर्मली सोडा ऐश यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं ये मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ। यह जो मटेरियल मैंने बनाया है, बहुत लोगों को मालूम होगा, पीछे इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। अगर नहीं मालूम होगा तो उसकी लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसे ऑक्सी ब्लीच कहते हैं, कलर सेफ ब्लीच भी कहते हैं, और ये स्टेन रिमूविंग लिक्विड है। लेकिन मैं जो साड़ियाँ मेरे पास ड्राई क्लीनिंग को आती है, वो बहुत ज़्यादा स्टेनी होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्टेन होते हैं उनके ऊपर, तो ये मैं मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन साड़ियों की ड्राई क्लीनिंग की वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, ये इतना यूज़ किया है, क्योंकि मैंने सोडा बिल्कुल ही नहीं यूज़ किया। सोडा मैं बहुत यूज़ करता हूँ, तो अभी मैं ये जो मटेरियल मेरे पास जो बचा है, यो मैं इसमें मैं मेरे जो टी शर्ट है वो ड्राई क्लीनिंग करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे जो टी शर्ट है बहुत ज़्यादा डर्टी, और मैं मेरे वर्किंग पीरियड में भी वही टी शर्ट ही पहनता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेनी हो गए हैं, डर्टी हो गए, तो ये मटेरियल मैं उसमें यूज़ करूँगा। तो आपको मैं टी शर्ट ड्राई क्लीनिंग कैसे करने हैं घर पर, ये मैं दिखाऊँगा। हमारे व्यूवर्स हैं जानवी आप्टे जी, उन्होंने कहा था मुझे कि टी शर्ट ड्राई क्लीनिंग की वीडियो बनाइए, हम घर पे कैसे टी शर्ट ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलो अब वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मटेरियल है जो मैंने, ये पूरा आज पूरा यूज़ कर लूँगा इसका। और वो जो मुझे स्टेन क्लीनिंग करना होगा, तब मैं उसकी अलग से मटेरियल पर वापस से बनाऊँगा, और मटेरियल स्टेन भी आपको क्लीन करके दिखाऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी टी शर्ट मेरे जो है वो ड्राई क्लीनिंग करके दिखाऊँगा। मटेरियल उसके लिए मैं ये जो बचा है हमारा ऑक्सी ब्लीच, वो यूज़ करूँगा, और ये डिटर्जेंट। तो फ्रेंड्स, ये मेरे ही टी शर्ट हैं, तीनों टी शर्ट में साथ में वॉश कर रहा हूँ, क्योंकि इनके कलर फिक्स हैं, कलर लूज़ नहीं है। अगर कलर लूज़ हो तो आप एक साथ सोकिंग नहीं कर सकते। अब मैं मेरा सब ड्राई क्लीनिंग का काम होने के बाद मैं इन्हें वॉश करूँगा, आपको हैंड वॉश करके दिखाऊँगा किस तरह से टी शर्ट वॉश करनी है।